नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जो लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर। कैसे हैं आप लोग? कुछ लोग मुझे देख के खुश होंगे, कुछ लोग दुखी होंगे, कुछ लोग मैम को मिस कर रहे होंगे, पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बार 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 पूछे जाते हैं। तो आई होप ये सब क्लियर होंगे। तो जो लोग आ चुके हैं वो एक बार ज़रा हाय हेलो करके बताइए कैसे हैं आप लोग। फिर बिना किसी देर के क्लास शुरू करते हैं हम लोग। बस मैं पेन ढूंढ लूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद स्टूडियो के इस वाले स्टूडियो में बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं। थोड़ा आइडिया नहीं क्या चीज़ कहाँ रखी जाती है। वो एक ज़बरदस्त क्लास लिए शुरुआत करते हैं। चलिए ठीक है, दिनों बाद कैसे हो? मैं मस्त हूँ यार, आप बताओ कैसे हो? चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आ चुका है, सवाल क्या है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा सवाल पूछा गया है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? क्या क्या आंसर आ रहे हैं? जी हाँ, सभी को हाय हेलो। हेमिस मेरे दोस्त ने कहा है, बिल्कुल सही जवाब, हेमिस नेशनल पार्क है। कब बना था हेमिस नेशनल पार्क? क्या कोई बता सकता है मुझे हेमिस नेशनल पार्क को कब बनाया गया था और कौन से स्टेट के अंदर है? कितनी इसकी टोटल लेंथ है? लेंथ कितने के एरिया कवर करता है? लेंथ मैं बताता हूँ, बाकी दो सवाल के आंसर आपको देने हैं। लेंथ कवर करता है 4,400 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत बड़ा एरिया है, 4,400 स्क्वायर किलोमीटर। सोचिए कितना बड़ा एरिया होगा, सोच के समझ में आएगा कितना बड़ा एरिया है। स्टेट जो होगा जम्मू एंड कश्मीर होगा, और सबसे बड़ी बात 1981 में इसको बनाया गया था। बहुत लंबा है नेशनल पार्क है। सभी के आंसर्स आई थिंक सही आ रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? ये क्या हो गया? ओके, चलिए अगला सवाल मेरे मित्रों आपके सामने आ चुका है। युद्ध के दौरान, युद्ध से दूर सॉरी, साहसी कार्रवाई या फिर आत्मबलिदान के लिए भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य अलंकरण कौन सा है? शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? ये सवाल है, जल्दी से बताइए कौन सा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार शांति के समय दिया जाने वाला। वॉइस कम आ रही, बढ़ा देते हैं, अपने घर की खेती है यार। लो बढ़ गई वॉइस, वैसी का टेंशन ले लिया आप लोगों ने, सही कर लूंगा इसको। सही है, बताइए शांति के समय सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र या अशोक चक्र? बिल्कुल सही आंसर मेरे भाई दे रहे हैं, अशोक चक्र शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। पर युद्ध के समय सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? युद्ध के समय होता है परम वीर चक्र। परम वीर चक्र, परमवीर चक्र लास्ट किसको दिया था? लास्ट परमवीर चक्र दिया गया था कैप्टन विक्रम बत्रा को, जो उस समय कैप्टन थे, बड़े शानदार इंसान थे। अभी मूवी भी आई थी, आप लोगों ने देखी होगी आई एम श्योर। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे क्या कहता है? अगला सवाल हमसे कहता है कि भैया भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? विच इज द हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? तेज गति के साथ आप क्या आंसर बताइए, क्या ये जॉक्स फॉल है, बिस्पानी फॉल है, या फिर कुंच की फॉल है, या फिर हैथल फॉल है? जल्दी से बताइए कौन सा है और कौन से स्टेट में है और हाइट क्या है, दो चीज और बता दीजिएगा। इन दोनों के साथ में आपके आंसर का वेट करूंगा। अभी आवाज सही आ रही है क्या? क्या आपको आवाज धीरे आ रही है अभी भी? तो मैं बढ़ा चुका हूं आवाज को। ओहो, गलत बढ़ा गया, सॉरी सॉरी, मैं गलत बटन दबा दिया था, इस वाले का आइडिया कम था मुझे स्टूडियो का। चलिए जोग एमपी, नहीं 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 जोग एमपी सही आंसर नहीं लग रहा मुझे। हाँ नेहा ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल नेहा आपका आंसर ठीक है। इसका आंसर हो गया 3, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कर्नाटका के राज्य में ये कर्नाटका में पाया जाता है जलप्रताप, और इसकी जो हाइट है, लंबाई ऊंचाई है, वो है 455 मीटर। सबसे ऊंचा जलप्रताप कर्नाटका के अंदर है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? आयतन की दृष्टि से, आयतन का क्या मतलब, विच इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम? वॉल्यूम के नजर से देखा जाए तो सबसे लंबा बड़ा डैम कौन सा है? यह आंसर आपको देना है तेज गति के साथ।
ये डैम इतना बड़ा है कि ये अपने आप में एक लेक लेक बनाता है, एक नहर बना देता है और लेक झील बना देता है। वो झील जो है सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील कहते हैं उसको, राजसमंद से बड़ी है। राजसमंद को सेकंड नंबर, राजसमंद सबसे बड़ी झील थी, अब राजसमंद से बड़ी झील वो बन चुकी है। जल्दी से आप लोग के ओके, कुछ लोग क्या कह रहे, हीराकुंड डैम। अच्छा नहीं नहीं मैं आपकी बात स्वीकार नहीं करता हूं, हीराकुंड नहीं है आंसर। जो लोग हीराकुंड आंसर दे रहे हैं, नहीं दोस्तों हीराकुंड नहीं है, रिहन डैम इज द सबसे बड़ा रिहन डैम है। रिहन डैम इतना बड़ा डैम है कि वहां गोविंद वल्लभ पंत सागर एक नहर है, एक झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, ये कहते हैं कि सबसे बड़ी, कहते हैं क्या एग्जैक्टली है, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, सबसे बड़ी सोचिए इंडिया की। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं तेज गति के साथ में। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तटरेखा सबसे लंबी है। अब एक सवाल यहां बनता है, राज्य पूछा गया है, अगर राज्य नहीं होता तो क्या होता, आंसर ये भी बन सकता है कि भारत में किस यूटी की, यूनियन टेरिटरी की या फिर राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी अगर तटरेखा की बात करें तो वह है अंडमान एंड निकोबार की, ठीक है, ये तो होगा यूटीज में आ गया भैया, पर यहां पूछा गया राज्य, तो राज्य के हिसाब से बताइए कौन सा है सबसे नंबर वन पे। राज्य के हिसाब से ए गुजरात, अब भैया गुजरात बता दिया है तो ये कौन बताएगा कि गुजरात की कितनी है। सर करंट अफेयर किस मंथ तक के आ रहे हैं, जितने मंथ के मैं पढ़ाऊंगा उतने मंथ के आएंगे, इसका मतलब मैं करंट अफेयर क्लास लेकर के आऊंगा, काम खत्म। नहीं, बेसिकली जो करंट अफेयर आना चाहिए मेरे ख्याल से अब जनवरी से आना चाहिए आपका, हम साल के लास्ट में इतना बढ़ रहे हैं, नवंबर में एग्जाम होगा तो जनवरी से बनता है, राइट। बीच के कुछ मंथ वैसे भी सूखे गए थे, तब लॉकडाउन लगा हुआ था। अरे गुजरात में बताते हो, कौन बताएगा कि कितना एरिया है, जल्दी से बताऊं। देखो अंडमान निकोबार का जो टोटल तटरेखा वो है 1900 किलोमीटर की, और हमारे गुजरात की, हमारा गुजरात ना मोदी जी की गुजरात की है 1600 किलोमीटर। आज वैसे मोटा भाई का बर्थडे है तो मोटा भाई को हैप्पी बर्थडे। मोटा भाई जानते हैं आप लोग किसको बोलते हैं, क्या आप बताइए मोटा भाई किसको बोलते हैं। अक्टूबर टू सेप्टेम्बर खेल दे, अच्छा लास्ट अक्टूबर से नहीं, इतना जरूरत नहीं, पीछे जरूरत नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम बचे तो एक बार निगाह मार लेना, भाई जरूरत नहीं है। चलिए भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, प्रणब मुखर्जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वीवी गिरी या राजेंद्र प्रसाद जी, कौन थे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले, कब से कब तक की, कितने साल तक की, बताइए। अमित शाह, मोटा भाई, चलो सही बात है, बिल्कुल सही कहा अमित शाह, मोटा भाई का बर्थडे आज, तो मोटा भाई को हैप्पी बर्थडे। मोटा भाई जल्दी से कुछ और वैकेंसी निकालिए, क्योंकि पुलिस में वैकेंसी काफी कम कर दी आपने, ये गलत बात है, और आप तो वैसे मोदी जी के खास हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वैकेंसी थोड़ा तमीज से तरीके से सही करवाइए। क्या आप लोग मेरे साथ में इस बात के लिए कि मोटा भाई को हैप्पी बर्थडे और वैकेंसी सही करें। मोटा भाई मतलब मेरे भाई कहाँ होंगे, कितने एजेड हैं। चलिए सही आंसर सब लोग का, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, 1950 से लेकर के 1962 तक। ओके, सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है, रिहन डैम, टिहरी डैम, टिहरी तो अभी बना है, कलानी डैम या फिर मुल्ला पेरियर डैम, मुल्ला पेरियर डैम, जल्दी से बताइए। लॉलीपॉप है इलेक्शन का, हाँ अच्छा सही बात है, और ये भाई साहब जो अपना नाम बदल के है उत्तर प्रदेश 2021 जी, मुझे लगता है ये इसका नाम आकाश होना चाहिए, आकाश हो गया। और ये बांध जिसका नाम हम ले रहे हैं कौन से डैम पे बना हुआ है ये बता दीजिए, ऐसे पढ़ा आप लोगों में, क्या ऐसे पढ़ाना सही लग रहा है आप लोग को। चलिए सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, कल्याणी डैम इस डैम में कावेरी नदी पर बना हुआ है ये,
कावेरी रिवर पे बना हुआ डैम है, सबसे पुराना डैम है और ये रनिंग वाटर में बनाया गया था। सबसे खास बात क्या, रनिंग वाटर के अंदर चलते हुए पानी, बहते हुए पानी में बनाया गया डैम था। बड़ा शानदार डैम है, किस्मत से मैंने इसको देखा है और बड़ा सुंदर जगह है। एक बार ऐसा होता है पढ़ाने की कुछ आते हैं और फिर जब देखते हैं आंसर्स को बोले यार यहाँ तो मैं जा चुका हूँ। ऐसी कई जगह इस वाले क्वेश्चन में मिलने की संभावना है जहाँ मैं गया हूँ, बड़ी सुंदर सुंदर जगह है। भारत अपने आप में बहुत सुंदर जगह है। विच इज लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर पठार, कलौ पठार, डेक्कन पठार, डेक्कन प्लेटू या शिलोंग प्लेटू, बताइए। डेक्कन, ओके। 880 आ चुका है डेक्कन का पठार। डेक्कन का पठार बिल्कुल सही है, बहुत 8 स्टेट्स में चलता है। कभी सवाल है डेक्कन का पठार कितने स्टेट्स में है, तो 8 स्टेट्स के अंदर है। ठीक है, सवाल उल्टा भी तो बन सकता है, कुछ और भी तो बन सकता है, राइट? तो इसको देख लीजिएगा। ये आया सवाल लोग बादशाह, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड। इसके लिए मैं पूरा वेट करूंगा, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, मैं वेट करूंगा कि सही आंसर कौन देता है, कि मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि काफी लोग गलत आंसर देंगे इसका। जल्दी से बताए नवे का दूसरा, चलिए नवे का दूसरा आ चुका है। नवे का बी, नवे का बी बी। फेज 9 में पुलिस के अलावा और कोई वैकेंसी स्टेनो का? अच्छा है भाई, है, ढंग से चेक करो। 2 2 2 2 2 2 1 बी 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 ध्यानचंद। वाह, अब आया आंसर, बाकी सबका गलत था। भैया आकाश शायद आप ही हो आप, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका नाम बदल चुका है, अब नाम क्या हो चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो चुका है, राइट? तो आपको आंसर आप बी कर रहे हैं, पुराना नाम है। अब इसको लिखोगे तो एक गलत हो जाएगा, ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या हो गया, मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अब सही नाम हो चुका है। तो आप लोग सही आंसर दे रहे हैं, जो जो दिया है सही दिया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे क्या कहता है आपसे, ये कहता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH11, NH22, NH33, NH44। अच्छा, आप सबको पता होगा ये सारे जो नाम दिए गए हैं 11, 22, 33, 44, ये अब बदल चुके हैं। मतलब 44 का जो पुराना नाम कुछ और था, जो पहले लॉन्गेस्ट था, नया नाम 44 है। 33 का भी सेम ऐसा ही था, तो ध्यान में रख के बताइएगा कि कौन सा था, अगर हो सके तो पुराना नाम भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं, सर आपकी आवाज भड़बड़ा रही है, मैं आपको देख के डर गया हूँ आकाश, आवाज थोड़ा सा ऐसा हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सारे दिन बोलते रहते हैं तो गला थोड़ा दर्द करता है, फिर मेरी क्लासेस कई और जगह कई बार लगी रहती है। NH44 शारीरिक कह रहे हैं, सही आंसर आपका बिल्कुल है, NH44 इज द राइट आंसर। पुराना नाम है NH7। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है जब आप ऐसी चीजों को पढ़ें, तो ये जरूर पढ़ लिया कीजिए कि उसकी दूरी कितनी रही है। उसका जो आंसर है 3745 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ये दूरी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, शानदार सवाल। भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, केप कॉम्ब्रियन, मिनिकॉय आइलैंड। ओके, थोड़ा सा क्लोज हो गया यहाँ पर, और एक का नाम भी कुछ और आ रहा है, तो वो बता दीजिए किसका नाम क्या आ रहा है। चलिए प्रश्न में नया नाम आएगा, यही 44 वाला, 44 वाला आएगा, नया नाम साथ नहीं है, नया नाम 44 ही है, तो याद रखिएगा आप लोग। दीपक कछवाहा, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मत करो भैया, किसने कहा डिस्टर्ब करने को।
इंदिरा पॉइंट, ओके इंदिरा पॉइंट सही आंसर है क्या? क्लोज है थोड़ा सा, देखो इंदिरा पॉइंट से सही आंसर ना हो। चलो 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को, आंसर दीजिए। मुझे लगता है इंदिरा पॉइंट सही आंसर नहीं है, सब लोग दो दे रहे इंदिरा पॉइंट। अरे भैया पीछे मत पड़ जाओ, पर देख लो शायद सही नहीं हो आपका। यस वसीम ने आंसर दिया। अब वसीम का आंसर आया बिल्कुल ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु कहा, कहीं लिखा नहीं है कि मेनलैंड में होना चाहिए, कभी नहीं कहा उसने। यहां गलती करते हैं हम तो, केक मैंने इसको कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है, कन्याकुमारी जिले में भी है, कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, तो वही चीज इसको कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये तो सबको पता है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबको आंसर पता ही है, क्या बताओ उसके अंदर। मुझे लगता है किसी का आंसर कभी गलत होगा यहाँ पर। बस ये बता दो कि दूरी कितनी लंबी कवर करती है, जो डिस्टेंस मतलब क्या है, लेंथ कितनी है उसकी। तो नाम तो आप सबको पता है कि इंदिरा गांधी नहर है, पंजाब से लेकर के राजस्थान तक चलती है, 650 किलोमीटर की दूरी कवर करती है, बहुत लंबी नदी है। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या है, किसको पता है? राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद नाम बदला गया और नाम रखा गया इंदिरा गांधी नहर। ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, राजस्थान नहर पुराना नाम है। भैया चलते हैं अगले सवाल तरफ। अगला सवाल हमसे कहता है कि भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर या रिमो ग्लेशियर, कौन सा है? देखो 650 स्माइली सिंह, अच्छा नाम आपका, भगवान करे आप स्माइल करते रहें। चलिए ओके, सियाचिन ग्लेशियर लोग बता रहे हैं। चांदनी आप एक बार बाद में मुझसे बात कर लीजिएगा, अभी इसका आंसर मैं यहां दे नहीं पाऊंगा आपको मैं, ठीक है। ठीक है सियाचिन, देखो सबको पता सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज की हमारी पहाड़ियों का ग्लेशियर है। काराकोरम पहाड़ियों में आता है, 78 किलोमीटर का इसका एरिया है। एक नदी से निकलती है, अगर सवाल बन जाए कभी सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो न्यूब्रा। न्यूब्रा लेक निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से, ये आपको याद रखनी है। चलिए हमारे अगले सवाल की तरफ। भारत का सबसे वेस्टर्न हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पागौड़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली का है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी मुंबई का है, केम्पागौड़ा बेंगलोर का है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है, तेज गति के साथ आप बता दीजिए। ओके सही आंसर सभी का सही है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल ठीक है, ये आंसर इज राइट आंसर। दिल्ली का जो एयरपोर्ट हमारा, लगभग हर साल 25 से 30 लाख लोगों को करता है। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? बिल्कुल सबको आंसर पता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसमें कुछ शक होगा नहीं, बस हाइट बता दो यार, नाम तो सबको पता है, हाइट बता दो कितने मीटर की हाइट है। चलो ऑप्शन देता हूँ मैं, ऑप्शन देता हूं मैं, 162, 182, 165, 100, अब 6 लिख दिया, चलो गलत चेंज करो, और ये सब पता ही है कि यार ये तो गलत ही होगा, इनमें से वही एक आंसर है, चलो बता दो
कौन सी है सबसे ऊंची मूर्ति? हाँ आंसर आ गया सभी लोग का, आंसर 182 आ रहा है, ठीक आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कैली बांध, रिहिंद बांध, टिहरी डैम या भाखड़ा नांगल डैम? ऊंचा मतलब जो ऊंचाई पर स्थित है वो बांध की बात की जा रही है यहां पर, ऊंचाई मतलब हाइट। ठीक है सभी का आंसर ठीक है। गुड सारी बात करके आए अवकाश शास्त्र तुम, बहुत बढ़िया। चलिए हो गया इसका, टिहरी डैम मेरे भाई को इसने कहा कितने मीटर का है टिहरी डैम? 260.5 मीटर, याद रखिएगा बड़ा अच्छा है। ओके भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? देखो आंसर मैं बताता हूँ, कलकत्ता है। इसका जुडिक्शन कहाँ कहाँ है? आंसर मैंने बता दिया, वो नहीं पूछ रहा मैं। जुडिक्शन कहाँ कहाँ पर, मतलब कलकत्ता जो हाई कोर्ट है वेस्ट बंगाल में लगता है, लगता है इसके अलावा कहीं और भी लगता है, वो जगह कौन सी है ये बताना नंबर वन। दूसरा बताना है कि स्थापित कब हुआ था, ठीक है, ये दो चीज बताना है। जल्दी से आंसर, कलकत्ता टू मैंने दे दिया है, बाकी आंसर आप लोग दीजिए। स्थापित कब हुआ था अंडमान निकोबार? वसीम ने आंसर सही दिया। चलिए एक आंसर मैं देता हूं, 1862 में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, महारानी के चार्टर के बाद में इसका गठन हुआ था। ओके इंटरेस्टिंग सवाल, भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक कौन सी है? ब्रिगेडियर, फील्ड मार्शल जनरल या मेजर? और दो तीन सवाल मैं ऐड करता हूं, ये रैंक अब तक कितने लोगों को मिल चुकी है? हाउ मैनी पीपल्स गॉट दिस रैंक? नंबर वन, हाउ मैनी स्टार्स इन दिस रैंक? ये दो सवाल, मतलब जो कंधे पे स्टार लगते हैं ना उस रैंक वाले को, वो कितने स्टार होते हैं, बहुत जरूरी सवाल है। और आज तक कितने लोगों को रैंक मिल चुकी है, नाम बता दोगे तो बहुत ही बढ़िया, बड़े शानदार सवाल। और इनमें से एक इंसान तो ऐसा है, वो जीवित होता तो पक्का मैं उसके पैर छू के आता, पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी है नहीं, उनका देहांत हो चुका है। ब्रिगेडियर, अरे भैया शारीरिक काज क्या कर दिया आपने, 28 लोग हो, अरे बाप रे क्या कर रहे हो आप जाट भैया? नहीं 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 नहीं, सभी का आंसर गलत है। सर जी आप रोजाना क्लास लेकर, ले लूंगा यार, तुम बुलाया करो प्यार से, हम प्यार से आ जाया करेंगे, कभी चाय पे बुलाओ। 28 लोग, बिल्कुल गलत जवाब, फील्ड मार्शल रवि चौधरी, शाबाश रवि, पहला सही आंसर, फील्ड मार्शल इज द राइट आंसर। फील्ड मार्शल जो होता है सबसे ऊंची पोस्ट होती है। भारत में अब तक सिर्फ 2 लोगों को फील्ड मार्शल की पोस्ट मिली है, पहले थे के करियप्पा, बाद में मिली हालांकि, पर एज में पहले थे, मतलब जब भारत का और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय थे वो, मतलब 48 की बार वाले बार की बात कर रहा हूं मैं। दूसरे थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ वही इंसान है जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर लेके आ गए थे, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश वाले वार की बात कर रहा हूं। इसके अंदर जो आदमी होता है, जो व्यक्ति होता है, ता जिंदगी, मतलब कभी रिटायर होता ही नहीं है, ता जिंदगी सर्विस में रहता है फील्ड मार्शल, जब तक जीवित है तब तक सर्विस में रहेगा, पूरी जिंदगी उसके मरने के बाद में भी ता जिंदगी नाम फील्ड मार्शल ही कहलाएगा। फील्ड मार्शल को 5 स्टार मिलते, एक बैटन मिलती है, एक मतलब एक बैटन बोलते हैं, बैटन समझते हैं आप लोग, बेसिकली एक डंडा सा मिलता है उसके ऊपर अशोक स्तंभ लगा होता है, वो बैटन मिलता है उनको। और सबसे जो रेस्पेक्ट मिलती है वर्ल्ड में किसी को, तो मिलती है फील्ड मार्शल को, कि वर्ल्ड में फील्ड मार्शल गिने चुने हैं, बहुत कम लोग हैं। अब देखिए इतना बड़ा इतिहास भारत का है, आजाद हुए कम कितने साल हो गए, सिर्फ 2 लोगों को फील्ड मार्शल की पदवी मिली है। तो फील्ड मार्शल कौन है? सैम मानेकशॉ और के करियप्पा, सही आंसर फील्ड मार्शल। स्टार कितने हैं? 5। लोग कितने हैं? 2। जो 28 कह रहे थे उनका आंसर गलत था, पीछे आ गया। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? इतनी पुरानी है कि भारत की आजादी से बहुत पहले बन चुकी थी, बताइए कौन सी है। क्या डिलीट किए हो भैया? ओके डिग्बोज असम, वसीम का आंसर है डिग्बोज असम, कोई बात नहीं वसीम, ये बताओ कि
बनी कब थी? दिग्विजय साहब आपका बिल्कुल ठीक आंसर है, सबसे पुरानी है, और मेरा बचपन जो बीता है ना इसके आसपास ही बीता है, लगभग 30-40 किलोमीटर दूर, मतलब पांचवी क्लास तक का पास उसी एरिया में किया है। वो एरिया कौन सा है? आसाम में एक जगह है, नाम सुना डिब्रूगढ़। पहले ट्रेन लिखा डिब्रूगढ़ में अंदर ही थी, अब डिग्बोई अपने आप में एक जिला बन चुका है मेरे ख्याल से, और ये बन चुकी थी यहां पर 1901 में, इतनी पुरानी है, 1901 के अंदर इसको बना दिया गया था। ठीक है, नहीं 1901, आशीष थोड़ा सा गलत हो आप। ओके, भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कौन सा है? सबसे ऊंचा मतलब सबसे एल्टीट्यूड पे सबसे ऊपर, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जो उदयपुर का बहुत नीचे है, सवाई का एयरपोर्ट नहीं, मैंगलोर एयरपोर्ट नहीं, कुशुक बकुला रिमपोची एयरपोर्ट, बड़ा नाम बड़ा खतरनाक सा है, बताइए कौन सा होगा? बी लद्दाख, लद्दाख नहीं है, लेह है बेसिकली। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? लेह के अंदर ये लद्दाख, तो आप यूट्यूब बोल सकते हो, उस हिसाब से आप नाम बोल दो, सही आंसर लेह आएगा। ठीक है, ये वहां के राजा थे, राज परिवार के थे, उनके नाम पे एयरपोर्ट रखा गया, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है, बड़ा सुंदर भी है यार, इसके पास में से इंडस रिवर बहती है, मतलब ये एयरपोर्ट रहा यू, आप देखोगे ना उसके अंदर गूगल अर्थ पे देखोगे यू एयरपोर्ट है या स्ट्रिप है, प्लेन जब लैंड करता है ना यहां से इंडस रिवर बह रही है, तो प्लेन यू लैंड करता है, शू, बड़ा प्यारा सा सीन होता है, मजा आता है एकदम देखने में। खैर, ओके, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोची पोर्ट, मुंबई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट या पोर्ट ब्लेयर पोर्ट? जल्दी से बताइए, मुंबई पोर्ट सही आंसर आप लोगों का, मुंबई पोर्ट बिल्कुल ठीक आंसर है, इसमें मैं कुछ बताने लायक है नहीं, आगे बढ़ जाता हूं। यह आंसर तो किसी का गलत नहीं होगा। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? मेरे ख्याल से कोई आंसर गलत नहीं देगा इसमें, तो देगा कोई? मुंबई पोर्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल का आंसर कौन देगा मेरे भाइयों, कि सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर आप सबको पता है कि वो है उत्तर प्रदेश, लास्ट सेंसस के हिसाब से जो अभी आबादी होनी चाहिए वो 17 करोड़ के आसपास की होनी चाहिए लगभग। ओके, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण कौन सा है? वाह, विच इज द इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट्स ऑफ वैलर ड्यूरिंग वॉर टाइम? क्या बात है, महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, क्या सही होगा? आखिरी जो अवार्ड दिया गया था वो कैप्टन विक्रम बत्रा को दिया गया था कारगिल वॉर के लिए, शानदार इंसान थे कैप्टन विक्रम बत्रा, सबको पता है परमवीर चक्र इज द राइट आंसर, बच्चे बच्चे को पता है, ये तो हमारे खून में है। जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? परमवीर, बिल्कुल सही आंसर परमवीर। सोमनाथ कहां से आ गया इसके अंदर? सोमनाथ क्या लिखना, आशीष क्या लिखना चाहते हो आप सोमनाथ? अरे गोवा में तो जो पार्टी में ये बैठे हैं वहां छोटा राज्य कैसे होगा? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, ध्यान से पढ़िए, जो लोग कह रहे हैं नागालैंड गलत कह रहे हैं, तीन आप लोग कह रहे हैं, ओके गोवा कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बी क्या है? गोवा गलत है। सिक्किम, शारिक ने ढूंढ के बताया गूगल से कि सिक्किम इज द राइट आंसर, शारिक आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से कि आपने ढूंढा, बिल्कुल सिक्किम 6 लाख के आसपास है, 6 लाख प्लस है, आसपास नहीं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? डल लेक, मिगिन लेक, वेल्लोर लेक या वेम बैंड लेक? मीठे पानी की, फ्रेश वाटर, मीठा पानी, बताइए कौन सी है?
बेलू लेक, ओके। और एशिया की सबसे फ्रेश वाटर सबसे बड़ी झील कौन सी है? एशिया की फ्रेश वाटर सबसे बड़ी झील कौन सी है? जो इसका आंसर देगा मैं उसके तालियां बजाऊंगा। जल्दी से एशिया लिखना, ये लिखना पहले ताकि समझ में आए किसके बारे में बात कर रहे हो। हाँ बेलू कश्मीर, बिल्कुल बेलू कश्मीर में, ठीक है बिल्कुल शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे भाइयों। एशिया की सबसे बड़ी भी बेलूर ही है, ठीक है। कश्मीर हमारा प्यारा राज्य, अब तो पूरी तरह से हमारा हो चुका, राज्य बन चुका पूरा, मतलब पूरा राज्य से आधा राज्य बना दिया, पर अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे दायरे में आ चुका। यार ये आर्टिकल 370 था, ये हट गया कि बचा है अभी, थोड़ा बताओ उस बारे में। 370 को भी रखा है कि निकाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे बहुत सारे आर्टिकल आपने डिलीट कर दिए ना, इसको डिलीट कर दिया, ये थोड़ा बहुत बचा है, बताइए जल्दी से मुझे। तेज गति के साथ माही, आप नाराज क्यों हो रही हो? अरे नाराज मत हो भैया, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है पर नाराज क्यों हो रही हो? भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। ज्योति बसु, लाल थंगवाले, जोगांग आपांग, पवन कुमार चिमलिंग, बताइए कौन है और कितने समय तक इन्होंने किया? ज्योति बसु जो कह रहे हैं, पवन कुमार चिमलिंग, लाल मुंह, लाल मुंह मतलब क्या कह सकते हो? ज्योति बसु, पवन, मिक्स आंसर। ज्योति बसु सबका गलत आंसर, जिसने ज्योति बसु कहा है, ज्योति बसु सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर कौन है? पवन कुमार चिमलिंग जी। इतना लंबा शासन किया कि आप सोच नहीं सकते, 24 साल 165 दिन, इतना लंबा शासन किया, मैं सोचिए 24 साल में कितनी बार मुख्यमंत्री बने होंगे, 24 साल 165 दिन, इतना लंबा वक्त कौन आदमी शासन में रहे, मतलब भारत का आजाद हुए 70 साल प्लस हो गए हैं, 24 साल एक व्यक्ति ने राज्य कर लिया, कितनी बड़ी बात है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, इंडस या ब्रह्मपुत्र? यहाँ पे सवाल थोड़ा सा घूम रहा है, यह सवाल क्या पूछ रहा है आपसे बच्चों, दोस्तों, बच्चों गलत बोल दिया माफ कीजिएगा, दोस्तों आप लोग, भारत में बहने वाली कहाँ है? आप सबको पता है गंगा जो है भारत के अलावा कहीं और भी बहती है, ऊपर से आती है नीचे बांग्लादेश में जाती है, इंडस रिवर पाकिस्तान चली जाती है, उधर मानसरोवर झील के पास निकल करके, ब्रह्मपुत्र आती है चाइना से नीचे जाती है बांग्लादेश में। ऐसे में पूछा गया भारत में बहने वाली, तो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान से पढ़ के बताइएगा, ब्रह्मपुत्र, भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र, दोनों साहब से सही आंसर नहीं है, जल्दी से बताओ। गोदावरी, नारे कहां से गोदावरी, भारत में बहने सबसे लंबी नदी गंगा है। लेंथ क्या गंगा की भारत के अंदर, मैं टोटल लेंथ बता दो, 25-25 है क्या? ये सही आंसर दे रहा हूं क्या मैं आपको? चलिए साउथ की गंगा, नहीं नहीं नहीं, भारत में सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? विच इज द वाइडेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? बिशप फॉल, चित्रकूट फॉल, एंथ्रोपाली फॉल, जॉक फॉल, बताइए। गंगा, चलिए गंगा सही आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पर आप आंसर दे दो इसका, वाटरफॉल पे आ जाओ आप लोग। चित्रकूट एक भाई ने दिया है, चित्रकूट आप आंसर दे रहे हो, श्योर हो क्या आप? ओके श्योर, ऐसे दोस्त ने कह दिया तो आपने लिख दिया,
डी 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 क्या है? जॉग फॉल नहीं, जॉग फॉल नहीं, नहीं 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 नहीं, मैं आपकी बात सहमत नहीं हूं। सही आंसर चित्रकूट है, जो मेरे भाई ने कहा था। जैसा मुझे लगा सब लोग गलत देंगे, इसने भी सही दिया। बट भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बंदा देवी, कैमेथ, कंचनजंगा या फिर जोंगसोंग पीक, कौन सी है? तो रवीश, मैं भी चित्रकूट ही कह रहा हूं यार, गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलिए मित्रों, सर और एक्सप्लेन कीजिए क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, क्या एक्सप्लेन करूं बताओ? चित्रकूट सबसे बड़ा है, वसीम कह चित्रकूट डिस्प्यूटेड है। हाँ, डिस्प्यूटेड कह सकते हो, पर अभी एक्चुअली ऑफिशियल जो डेटा हमारे पास में आता है चित्रकूट का, कंचनजंगा का ही आता है। 8600 मीटर की इसकी हाइट बताई जाती है, मैं नापने कभी नहीं गया। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? कंचनजंगा। ओके, अब बताइए सवाल आपका। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बीएल की कंजम्पशन में सबसे ऊपर वो राज्य कौन सा है? नंदा देवी गलत आंसर है, राकाश आपका कंचनजंगा इज द राइट आंसर। एग्जाम में कंचनजंगा को ही राइट करते हैं। शायद अभी राजस्थान पुलिस के एग्जाम में सवाल आया था, तो सही आंसर कंचनजंगा ही आया था। गोवा 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 गोवा, ओके गोवा इज द राइट आंसर। कितने किलोमीटर? कौन बताएगा, कौन बताएगा कि 3702 किलोमीटर का एरिया है, कौन बताएगा? 3702 किलोमीटर का एरिया हमारे गोवा का है, ये कौन बताएगा? चलिए, भारत के में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? मैं नाम बताता हूं सबको, बता तो भारत रत्न है। लास्ट कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। तीन लोगों एक साथ दिया गया था, भूपेन हजारिका जी को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, और तीसरे नाम को थे नानाजी देशमुख। तीन लोग को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 2019 में। 20 में कोरोना आ गया था, 21 में कोरोना आ गया था, नहीं दिया गया। या फिर वेट कर रहे हैं मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊं फिर मुझको देंगे लोग भारत रत्न अवार्ड। मजाक कर रहा हूं। ओके चलिए, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बच्चे बच्चे को पता है इसका आंसर, तो बच्चे बच्चे को पता होगा, मैं वेट भी नहीं करूंगा। केरला इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। भारत में क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? वाह वाह वाह, बताइए। ट्रंप साहब आगे गए थे वहां पर, ट्रंप पीछे गए थे वहां पर, बताइए कौन सा है? चलिए, डी डी, अच्छा बी बी किसने आंसर दिया भैया? राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ना बिल्कुल नहीं, मोंटेरा 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 फोर्थ वन। अरे भैया वेरी गुड, ये मैं सुनना चाहता आपसे, मोंटेरा पुराना नाम है भैया, ये लिखे बताओ ना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ये सही नाम है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जगह नहीं है, बड़ा पूरा नाम लिख देता। ये आपको हमेशा याद हो, नए नाम को सबको याद रखो हमेशा, मेरे नए नाम सारे याद रखो, बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार।
बताइए कौन सा देश है जो सबसे लंबी सीमा हमारे साथ शेयर करता है, भूरियो? हाँ ठीक है, बांग्लादेश कितनी करता है कौन बताएगा? ये भी तो बताओ कितनी करता है। नहीं, चाइना गलत आंसर, जिसने चाइना दिया है बांग्लादेश 4096। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही आंसर। आकाश आप मेरी तरफ से मिठाई खा लेना जा करके इस सही आंसर के लिए। भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम ऊंचाई है, बताइए किस क्षेत्र में सबसे कम ऊंचाई है? पुदुचेरी, कर्णावती, कुमारकोम या फिर कुट्टंड, कौन सी जगह? बिल्कुल पढ़ाते हैं अनुज, थोड़े दिनों में मेरा इंडिया स्टडीज पे पेट बेच आएगा। कुट्टुम तो बताएगा पर ये कौन बताएगा कि कौन से राज्य में है? इसको बताने के लिए पाकिस्तान से कोई आएगा क्या? जल्दी से बताओ। कुट्टुम जो है वो है केरला में, केरला में कुट्टुंड है, सही आंसर हो गया एक। मेरा पेन नीचे गिर चुका है तो मैं उंगली से लिखूंगा या दूसरा पेन कहीं से जुगाड़ करता हूँ, मिल गया। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यहां तो मैं गया हुआ भी हूं, बड़ा सुंदर है, ब्रह्मपुत्र पे नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र कुछ ऐसे निकलती है ना आसाम से, लगभग ऐसे, मतलब यहां से आकर के यूं बहते भी आती हूं, इस जगह करीब ये आता है। अब बताओ कौन सा जिला पड़ता है पास में और नाम क्या है? माजुली असम। ओके बिल्कुल, माजुली असम इज राइट आंसर। डिब्रूगढ़ जिले में ये पड़ता है, बड़ा प्यारा नदीद्वीप है, सुंदर एकदम। बचपन में गया था, पता नहीं कितना कैसा हो चुका होगा, बहुत कंस्ट्रक्शन हो गया होगा, बहुत कुछ हो गया होगा। नॉट ओनली इंडिया वर्ल्ड आल्सो माजुली। यप। भारत में सबसे ऊंचा डुबकी जलप्रपात कौन सा है? जॉग फॉल, नौकाई फॉल, दूधसागर फॉल। दूधसागर को गया है, बहुत सुंदर जगह है। कंदाजर फॉल बताइए। जॉग ना रे, कहां से जॉग हो गया? ओके डिब्रूगढ़। जो नेकली फॉल्स बोल रहे हैं वो जरा बता दीजिए कि कौन सी जगह भी है आपका आंसर, ठीक है? ये बता दीजिए कौन सी जगह है। नेकली फॉल्स जो है चेरापुंजी में है। ठीक है, वाह वाह। अब भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी या लद्दाख? 32 किलोमीटर का एरिया टोटल उसका, सिर्फ 32 किलोमीटर का। दूध सागर गोवा नहीं, दूध सागर में दूध नहीं आता, दूध तो आपकी भैंसों से आता है, उसी से काम चलाइए। दूध सागर में क्या इतना तेजी से पानी गिरता है, सफेद सफेद लगता है, लगता है दूध गिर रहा हूं। ठीक है भाई, दूध भैंसों से ही आता है, आपके गाय भी हो सकती है, बकरी भी हो सकती है। सर ब्लैक बुक की सीरीज कंटिन्यू करो। करूंगा भैया, मोहित आपके ने आदेश दिया है, आपके आदेश की पालना होगी। और बताइए, नीतू कुमारी सिंह लक्षद्वीप कह रही है पुदुचेरी। नारे शारिक, आपके गूगल ने आपको गलत आंसर दिया है। ओके 32 किलोमीटर में हमारा लक्षद्वीप इज द राइट आंसर, 32 किलोमीटर में है लक्षद्वीप। कोई जाके आया क्या लक्षद्वीप आज तक? विच इज द लॉन्गेस्ट ऑक्सबाउ लेक इन इंडिया? लॉकटक लेक, अश्मुदी लेक, पुष्कर लेक,
कनवर लेक। बताइए भैया, और कौन से राज्य में ये बता दीजिएगा साथ साथ में, आपका भला होगा, एग्जाम में नंबर मिलेंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, कनवर लेक इज द राइट आंसर। ये होती है हमारे बिहार में, प्यारा बिहार, आजकल तो आईएएस का बिहार। आप में से कोई ऐसा है जिसको बहुत अच्छी भोजपुरी आती हो, मतलब भोजपुरी में अच्छा पकड़ हो जिसकी, कोई है ऐसा? मोहित मैंने कह दिया आपसे करेंगे। तो भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? भैया ये तो सबको पता होगा, बहुत लंबे प्रधानमंत्री, बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहे, मतलब मोदी जी भी रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएंगे उनका, इतने लंबे समय तक रहे। कौन रहे? आगे से टो लो, हट गए आगे से, आप उसकी स्क्रीन दिखेंगे पूरी तरह हट जाते हैं हम आपसे। बच्चे क्वेश्चन मैसेज करा देंगे आपके लिए, क्या दिक्कत है? चलिए, वाजपेयी नहीं रहे, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों, 16 साल 286 दिन ये रहे जवाहरलाल नेहरू जी, 16 साल 282 दिन, इतना लंबा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। ओके, नया सवाल नई स्क्रीन पर। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? जेवी बीच, मैंड्रम बीच, मरीना बीच या कॉलम बीच? बताइए भैया। सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? कोई है आंसर? सही आंसर क्या है? मरीना बीच इज द राइट आंसर। मरीना बीच खास बात क्या है, ये भारत का सबसे लंबा है, ये वर्ल्ड का सेकंड नंबर का है। मरीना बीच वर्ल्ड का सेकंड नंबर पर है, कहां पर है? मतलब चेन्नई में है। चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, आंसर आप लोग के पास आ चुका है। आज का 42वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप कौन सा है? आर्टिफिशियल, बताइए। सर सामने से आओ, बस ऑप्शन दिखा दिए करो बस सर। अच्छा सर, ठीक है, आ गए आपके सामने, जैसा आप कहोगे सर, जैसा आप आदेश करेंगे वैसा कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्यूबा आइलैंड, विलिंगटन आइलैंड, विल आइलैंड, विपर आइलैंड, बताइए। जो लोग कह रहे हैं सी वो गलत कह रहे हैं, बी इसका सही जवाब होगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड डैम, टेहरी डैम, कलाइन डैम या भाखड़ा नांगल डैम? जल्दी से बताइए। और कौन सी नदी पे बना हुआ है ये बता दीजिएगा। नदी चलो मैं बताता हूं, आप लोग आंसर दो। महानदी पे बना हुआ है, महानदी पे बना हुआ बांध है, जल्दी से आंसर दो भैया। ओके 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 ओके, जो लोग कह रहे हैं हीराकुंड डैम, बिल्कुल सही है। कोई बता सकता है हीराकुंड डैम कौन से राज्य में है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेल्लोर झील, चिल्का झील, हुसैन सागर या वेम्बांड लेक? जल्दी से बताइए कौन से राज्य में, बताइए। महानदी है, ये महानदी है, जीके 24/7। चले उत्तराखंड, अरे ये कौन है भाई मेरा, महाराष्ट्र पहुंच गए, बहुत ही बढ़िया। सही आंसर 44 का, वेम्बांड झील कौन से राज्य में है? सबको पता है केरल राज्य में हमारे होती है। चलिए, केरल इज राइट आंसर। ओके मेरे भाइयों, अगला सवाल। भारत की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वेस्टर्न घाट, हिमालयन, एक मिनट, विच इज द यंगेस्ट? छोटी का मतलब है कम उम्र से है,
कम उम्र मतलब जवान, विवाह योग्य उम्र बोल सकते हो उनके हिसाब से, विच इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट, हिमालयन, विद्या रेंज या रावी रेंज, कौन सी है? चलिए सही आंसर क्या है, हिमालय, बिल्कुल नहीं। सबसे पुरानी कौन सी को बता सकता है मुझे? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कोयम्बटूर, माहे, जयपुर? जयपुर कहां से बड़ा हो गया? कुछ कौन सा है? अरावली सही आंसर है। आपके आगे थोड़ी बोतल पी लें, मतलब बोतल से पानी पी लें, बोतल से रो मतलब मत निकालिएगा आप लोग। कुछ गुजरात इज राइट आंसर। आज का 47वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, तिरुपुरम, मगर कोइल, बताइए भैया। बता चुका हूं वैसे तो मैं आप लोग को। कोयम्बटूर किसने कहा? कच्छ है यार, क्या बात कर रहे हो। कन्याकुमारी हम इस पर ऑलरेडी सवाल आ चुका है तो रुकने का कोई मतलब बनता नहीं यहां पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र था पहले, अब नहीं है। नहीं, महाराष्ट्र कभी नहीं रहा, उधर यूपी था पहले, अब नहीं है। कौन सा आंसर होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर है राजस्थान, 100% सही आंसर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना रिवर, इंद्रावती रिवर, घाघरा रिवर या झेलम रिवर, कौन सी है सबसे लंबी सहायक नदी? ये बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चलिए सबसे लंबी सहायक नदी कन्याकुमारी, ठीक है, यमुना, क्या बात है। नाम आपका उपासना, उपासना आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। यमुना सबसे लंबी सहायक नदी में आती है। एरिया देखो, सॉरी डिस्टेंस देखोगे जो कवर करती है वो 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर मतलब छिहत्तर मतलब समझ जाना यार, ठीक है। हाँ, यमुना गंगा सहायक नदी सबको पता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये थे हमारे आज के सवाल जो थे अब समाप्त। आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस वक्त दिया और मैंने उम्मीद की है कि मैंने कुछ अच्छा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ये हमें मोटिवेट करती है कि हम अच्छा कॉन्टेंट बनाएँ। रात के 10 बजे सब जब मेरे दोस्त इस समय अपने घर वालों के साथ बातें कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ स्टूडियो में, ये मोटिवेशन तभी आ सकता है जब आप लोग हमें वो मोटिवेशन दें। मोटिवेशन क्या चाहिए मुझे आपसे? इस क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए क्लास कैसी लगी, बुरी लगी तो भी बताइएगा, अच्छी लगी तो भी बताइएगा। आपके सुझाव हमेशा आमंत्रित है। आपका दोस्त अब आपसे विदा चाहता है, कल फिर मुलाकात होगी किसी और क्लास में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।